नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। 5 राज्यों में चुनावी प्रचार प्रसार शुरू होने को है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम वोटिंग में बहुत कम ही वक्त बचा है। कैंडिडेट लिस्ट, मैनिफेस्टो, रैलियां, रोड शो, सभाएं, इन राज्यों में हर तरफ यही सब नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के इस मौसम में आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे क्या उम्मीदवारों के खर्च की कोई सीमा होती है, ज्यादा पैसे खर्च करने पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, किन जगहों पर प्रचार कर सकते हैं या किन जगहों पर प्रचार करना मना है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24x7 लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इनमें से वह सिर्फ 10,000 रुपए नकद खर्च कर सकेंगे। जब वह नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसको रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा, जिसका बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। ये जानकारी जनसंपर्क अधिकारी अनिल कुमार पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपए तय की गई थी। इसके साथ ही वह 20,000 रुपए नकद तक खर्च कर सकता है, लेकिन इस बार इसमें 10,000 रुपए की कटौती की गई है। इस वजह से प्रत्याशी सभी तरह के खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10,000 रुपए तक ही कर सकते हैं। इसके ऊपर के खर्च के लिए चेक एवं ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 50,000 रुपए से अधिक नकद संबंधित के पास नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए नया बैंक खाता स्वयं एवं अपने एजेंट के नाम से खुलवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी खाते के माध्यम से प्रत्याशी लेन देन करेंगे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा रजिस्टर में तय फॉर्मेट में चुनाव खर्च की जानकारी दर्ज करनी होगी, जिससे मतदान के 3 दिन पहले दिल्ली से आने वाली निर्वाचन टीम के सदस्यों द्वारा देखा जाएगा और कमी होने पर उसे सुधार भी कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चुनावी खर्च सीमा 28 लाख थी। कोविड महामारी के समय अक्टूबर 2020 में इसे बढ़ाकर 30,80,000 रुपए कर दिया गया था, लेकिन अब वहीं से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का सार विवरण निर्वाचन अधिकारी को जमा करना होता है। अनुसूची वन में जनसभा, रैली, जुलूस इत्यादि पर होने वाले खर्च को ब्यौरा देना होता है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर ब्यौरा दिया जाता है। प्रत्याशियों के सामने इस बार एक बड़ी चुनौती है। चुनाव खर्च बाजार रेट के अनुसार जोड़ा जाएगा, जैसे चाय समोसा तक का खर्च जुड़ेगा। कोई प्रत्याशी ज्यादा खर्च करेगा तो उस रकम को उनकी पार्टी के खर्च में जोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयोग की नजर हर तरह के खर्चे पर रहेगी। अगर बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है और प्रत्याशी उसे 2 रुपए अंकित करेंगे तो ये मान्य नहीं होगी। नामांकन के अंतिम दिन निर्वाचन आयोग की टीम उम्मीदवारों को दैनिक चुनावी खर्च रजिस्टर उपलब्ध करा देगी। उम्मीदवारों को प्रतिदिन का चुनावी खर्च इसी रजिस्टर पर दर्ज करना होगा। इतना ही नहीं, प्रति पीस लड्डू 7 रुपए, चाय समोसा 6-6 रुपए, लंच पैकेट 50 रुपए, होटल का खाना 120 से लेकर 150 तक, नॉन वेज 250 से 300, वीआईपी माला 150, साधारण 20 बुके 140, गेस्ट हाउस का भाड़ा 16,000 से 50,000 रुपए प्रतिदिन, माइक उद्घोषण व चालक समेत रिक्शा का भाड़ा 1,100 रुपए यानी 1,100 रुपए, पानी की बोतल 20, कार्यालय किराया 15,000, जीप का खर्च 1,000 रुपए और ईंधन टेम्पो 400 रुपए और ईंधन ट्रक 3,000 और ईंधन बाइक स्कूटर 350, कार 900 रुपए और ईंधन बस का भाड़ा 5,850 रुपए। ट्रैक्टर ट्राली की बात करें, ट्रैक्टर ट्राली का भाड़ा 1,200 रुपए प्रतिदिन का जोड़ा जाएगा। गाड़ी ड्राइवर 350 रुपए दिहाड़ी प्रतिदिन, 11,000 रुपए प्रति हजार कपड़े वाली टोपी और कागज वाली प्रति हजार टोपी का रेट 3,000 रुपए तय हुआ है। चुनाव में लगने वाले अन्य सामग्रियों के रेट भी बाजार रेट के हिसाब से ही
तय किए जाएंगे। तो ये अभी तक पूरा ब्यौरा है जो विधानसभा चुनाव में खर्च होंगे, जो प्रत्याशी खर्च करेंगे। तो इस पर और भी अपडेट आती रहेगी, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बस आप बने रहिए।